Okay, all right. So, we are just going to learn Visual Studio. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आप एक सॉफ्टवेयर प्रोफाइल से हो, आप एक बीसीए कर रहे हो, तो नाउ आफ्टर दैट यू हैव सम एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अबाउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट एंड ऑल, मतलब सॉफ्टवेयर के लाइन में आपको एक नॉलेज चाहिए होगी, और वो नॉलेज के लिए ही आप अभी बीसीए का जो आपका है कोर्स ये कर रहे हो, राइट? जिसके अंदर में आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं कि कैसे एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, या फिर हम एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या-क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लाइक आरडीबीएमएस, डीबीएमएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आपको पढ़ाई जाती है बीसीए के अंदर में, उसका क्या रोल है, राइट? तो आफ्टर लाइक कंप्लीशन द कोर्स यू आर एबल टू डिजाइन अ वेबसाइट और अ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन. फॉर दिस यू मस्ट हैव अ नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड अ टेक्नोलॉजी, है ना? एक लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी आप जानोगे तभी तो आप कुछ बनाओगे, अदरवाइज तो आप कुछ कर नहीं सकते. एंड वी हैव लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस राइट नाउ इन द मार्केट. वी हैव विजुअल बेसिक, सी शार्प, वी हैव जे शार्प, वी हैव C++, जावा, पाइथन, कोबोल, सो मेनी लैंग्वेजेस वी हैव, है ना? बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे पास में हैं जिसके थ्रू हम किसी भी तरह के एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं. मार्केट के अंदर आप देखोगे तो वी हैव लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस, बट द थिंग इज कि जो हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं उन लैंग्वेजेस के अंदर में एक लिमिटेशंस भी होती है ना? कोई भी अगर हम बात करते हैं, लाइक सपोज आई हैव अ कंपनी एंड यू हैव अ कंपनी एंड यू आर योर डोमेन इज टू डिजाइन ओनली वेबसाइट. आपका जो डोमेन है वो सिर्फ वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट के लिए है. आप मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बनाते हो, आप कंसोल एप्लीकेशन नहीं बनाते हो, आप विंडोज एप्लीकेशन नहीं बनाते हो. आपकी एक अच्छी कंपनी है जो कि रनिंग में है एंड आप चाहते हो कि आप जो है ना एप्लीकेशन को डेवलप करो. तो मैं आपका एक क्लाइंट हूँ, मैं आपके पास आता हूँ और मैंने आपको बोला कि विकी सर मुझे एक एप्लीकेशन डेवलप कर दो वेबसाइट का, तो आपने मेरे को वेबसाइट का एप्लीकेशन डेवलप करके दे दिया. नाउ माई रिक्वायरमेंट हैज बीन अपडेटेड, आई वॉन्ट अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द सेम एप्लीकेशन, है ना? मुझे मोबाइल एप्लीकेशन भी चाहिए होगी एंड मैं नहीं चाहूंगा कि मैं विकी को छोड़ू. मैं चाहूंगा कि विकी इज अ वेरी गुड पर्सन, इज अ वेरी गुड कंपनी, ही हैज अ वेरी गुड कंपनी, ही प्रोवाइड अ गुड टास्क, अ गुड एप्लीकेशन फॉर मी. तो मैं चाहूंगा कि विकी ही ये काम करे. एंड सेकेंड थिंग कि विकी हैज डन माई वेबसाइट, तो ही नो वेरी वेल अबाउट द एप्लीकेशन, अबाउट द माई माई वर्क, अबाउट द डेटाबेस एंड ऑल. तो मैं चाहूंगा कि विकी बनाए, बट आप कहोगे कि सॉरी सर, मैं आई कांट डू दिस बिकॉज माई लैंग्वेज एंड माई टेक्नोलॉजी कैन नॉट हैंडल दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन. तो कहीं ना कहीं कंपनी जाके एक पॉइंट पे स्टक हो जाती है. वो कहती है यार मैं ये काम नहीं कर सकता. व्हाई दिस हैपेंस? व्हाई? बिकॉज आर लैंग्वेजेस सपोर्ट अ सिंगल कंपाइलर, वन कंपाइलर कैन ओनली प्रोड्यूस, ओनली डेवलप अ सिंगल टाइप ऑफ इंटरफेस. ठीक है, जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनका एक सिंगल, एक ही तरह का एक इंटरफेस होता है जो वो प्रोड्यूस करती हैं, जो वो डेवलप करती हैं. अब इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस इज अ काइंड ऑफ यूआई, यूजर इंटरफेस थ्रू विच यूजर कैन इंटरैक्ट द एप्लीकेशन. जो उसको जिसके थ्रू एक एप्लीकेशन को इंटरैक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं यूजर इंटरफेस. एंड नाउ यूजर इंटरफेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूजर इंटरफेस के अंदर में मेरे पास दो तरह के यूजर इंटरफेस होते हैं. आपने पहले पढ़ा होगा, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक होता है कमांड यूजर इंटरफेस, है ना? तो आप एक बार अपने डायरी में लिख लो इंटरफेस, लिखो इंटरफेस एंड इंटरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दो. वन इज अ ग्राफिकल एंड अनदर इज अ कमांड यूजर इंटरफेस. द वन इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड वन इज अ कमांड यूजर इंटरफेस. यानी कि वन इज अ जीयूआई एंड अनदर इज अ सीयूआई. सीयूआई को हम अनदर नेम भी होता है, सीएलआई भी बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस. सीयूआई को हम लोग कमांड लाइन भी बोलते हैं. तो
नाउ दीज टाइप ऑफ एप्लीकेशन बेसिकली कोई भी इंटरफेस अगर आप देखते हो, किसी भी तरह के एप्लीकेशन को अगर आप आज के टाइम में देखते हो, तो आप कैटेगराइज कर सकते हो कि दिस एप्लीकेशन इज इन अ COI और GUI, है ना। जैसे अभी हम लोग अभी भी एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वो कौन सा एप्लीकेशन है? ये ग्राफिकल है, बिकॉज ऑल थिंग्स आर कैटेगराइज, ऑल थिंग्स आर मैनेज इन टू अ ग्राफिकल आइकन्स, है ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास देखो नीचे बटन्स बने हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल बटन्स, दिस इज अ कमांड। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा लीव कॉल्स, तो ये क्लोज हो जाएगा, राइट। मैं अगर कैमरा को पे क्लिक करूंगा तो कैमरा क्लोज हो जाएगा, तो दिस इज अ कमांड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स। तो दिस इज अ वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड, है ना। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस आर मोर यूजर फ्रेंडली रेदर देन कमांड यूजर इंटरफेस, है ना। जो कमांड यूजर इंटरफेस होता है वो कैसा होता है, जैसे देखो ये इस तरह का होता है कमांड, आपने देखा होगा डॉस का एनवायरनमेंट, अ ब्लैंक स्क्रीन विद अ प्रॉम्प्ट। ये जो एनवायरनमेंट आपको सामने दिख रही है, ये क्या है, ये कमांड यूजर इंटरफेस है, कमांड लाइन इंटरफेस। बट दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन आर एसेंशियल फॉर अस। अगर हम मार्केट को सर्वे करते हैं, मार्केट में जाते हैं, या हम किसी तरह के एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, तो इस तरह के एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे बैंक्स वगैरह में चलती हैं। तो यहां पे क्या है, these kinds of applications are developed with CUI like command user interface type hai. yahan pe koi graphical nahi hai. agar main koi command ko run karana chahunga to main kya karunga, mujhe command aana chahiye, yaad hona chahiye, you must remember the command if you want to use this type of application. that's why hum log kehte hain ki this type of applications are not user friendly, it's not providing user friendly environment for us. Got my point? समझ में आ रहा है आपको विकी? ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे पॉइंट्स जो हमारा ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ और मैं एंटर करता हूँ, तो ये कहता है डीके इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड, बिकॉज डीके इज नॉट अ कमांड। सो इफ आई वॉन्ट टू यूज सम लाइक आई वॉन्ट टू सी लाइक डायरेक्टरी इन सी ड्राइव, तो सो वी हैव टू राइट DIR. DIR is a command and through which we can show the list of directories. जब मैं DIR करके enter करूँगा तो मेरे को directory दिख जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से मुझे exit करना है तो मुझे exit लिखना पड़ेगा, और enter करूँगा तो मैं exit हो जाता हूँ। तो this type of application is based on command user interface, and we have to learn about the command, we have to remember the command if we want to execute this type of application. So my concern is, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास दो तरह के एप्लीकेशन हो गए, एक तो ग्राफिकल हो गया और एक हो गया नॉन ग्राफिकल, जिसको हम कमांड यूजर इंटरफेस कहते हैं, राइट। अब देखो, जो ग्राफिकल वाला जो मेरा पार्ट हो गया, उस ग्राफिकल पार्ट के अंदर भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ग्राफिकल में भी दो पार्ट डिवाइड हो गया। एक आप लिखो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेस्कटॉप नहीं, विंडोज लिखो, विंडोज एक में लिखो विंडोज एप्लीकेशन, एक लिखो वेब एप्लीकेशन। जो ग्राफिकल वाला नोड है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करो, एक आएगा आपका डेस्कटॉप या विंडोज लिख लो, और दूसरा लिख लो वेब। ठीक है, तो एक विंडोज हो गया, मतलब कि अगर हम ग्राफिक्स में जाते हैं तो ग्राफिक्स के बाद में भी हमारे पास में कैटेगरी आ जाती है। एक आती है विंडो, विंडो का मतलब कहाँ होता, क्या होता है कि एक ऐसा एप्लीकेशन जिस सिस्टम में आपने इसे इंस्टॉल किया है वो सिर्फ उसी में चलेगा, किसी और में नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब विंडो के अंदर में भी दो तरह के एप्लीकेशंस होती हैं, एक होता है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, मोबाइल के लिए, और एक होता है डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए। जैसे अभी आप जो यूज कर रहे हो, अभी आप एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो वो आपका विंडोज एप्लीकेशन है। आपने क्या किया, आपने अपने सिस्टम के अंदर में आपने एक गूगल मीट नाम से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया, है ना। गूगल मीट आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया, अभी आप शायद मोबाइल से एक्सेस कर रहे हो, हाँ, तो आप मोबाइल से एक्सेस कर रहे हो, तो मोबाइल में आपने क्या किया, गूगल मीट नाम से एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लिया। दिस पहला वो कैटेगरी किसकी है, ग्राफिकल की है, ग्राफिकल के अंदर वो विंडोज में आ रहा है। विंडोज का मतलब क्या हो रहा है, विंडोज के अंदर मोबाइल के अंदर आ रहा है। मोबाइल के अंदर मतलब क्या, एक ऐसा एप्लीकेशन जिस मोबाइल में वो इंस्टॉल होगा, जिसको मैंने आपको क्या लिखवाया, विंडोज के अंदर में आ रहा है ये, जिस मोबाइल में वो इंस्टॉल होगा उसी विंडो में वो चलेगा, दूसरी विंडो में नहीं चलेगा। अब जैसे आपने अपने विंडो में इंस्टॉल कर लिया, यानी कि अपने मोबाइल में अपने आप इंस्टॉल इसको कर लिया, तो क्या ये सेम एप्लीकेशन दूसरी मोबाइल में चल जाएगा विदाउट इंस्टॉलेशन?
नहीं चलेगा, जिसमें इंस्टॉल मतलब इंस्टॉल इज अ मैंडेटरी पार्ट, लेकिन वो क्या है, एक ही विंडो में चल रहा है, जिस विंडो में आपने डाला उसी में चलेगा, दूसरी विंडो में नहीं चलेगा। यानी कि हम इसको चाहें इस एप्लीकेशन को कि वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस करें तो हम नहीं कर सकते। गॉट माय पॉइंट? तो इस तरह के एप्लीकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, विंडोज, विंडोज एप्लीकेशन। और विंडोज के अंदर ही सारे मोबाइल एप्लीकेशन आ जाते हैं, सारे लैपटॉप एप्लीकेशन आ जाते हैं, सब कुछ आ जाते हैं। यानी कि जो अभी आप जो यूज कर रहे हो, या फिर आप अगर लैपटॉप की बात करते हो तो लैपटॉप के अंदर में एमएस ऑफिस होता है। एमएस ऑफिस, यू नो अबाउट एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस ये क्या नाम है, एक्सेल हो गया, है ना, एक्सेल, एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, और तुम्हारा ये भी हो गया इसमें, हाँ पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, एमएस वर्ड हो गया, मतलब फाइव टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन होते हैं उसके अंदर। उसमें एक मेल मर्ज भी होता है, मेल सेंड करने के लिए होता है। तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन यूज फॉर लाइक डॉक्यूमेंट्री के लिए यूज होता है हमारा। लेकिन आपने जहाँ पे इसे इंस्टॉल किया है, जिस भी लैपटॉप में या डेस्कटॉप में आपने इंस्टॉल किया है, सिर्फ वहीं पे वो चलेगा, दूसरी जगह पे नहीं चलेगा, है ना। तो दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन कैटेगराइज इन द विंडोज, लेकिन वो क्या करेगा, सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप में ही चलेगा। ये हो गई आपकी विंडोज के अंदर। अब दूसरा एप्लीकेशन मैंने आपको जो लिखवाया था, वेब, वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया, वो भी ग्राफिकल के अंदर में आ रहा है। वेब एप्लीकेशंस आर इन द कैटेगराइज इन द ग्राफिकल, बट ग्राफिकल में क्या है कि ग्राफिकल के अंदर में आप जो आपका एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है वो विंडोज बेस्ड नहीं है, वो क्या है, वो वेब बेस्ड है। वेब मतलब हो गया www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। जो पहला वाला था डेस्कटॉप, उसमें आपका जो एप्लीकेशन बन रहा है वो जब इंस्टॉल होगा तो वो सारी रिसोर्सेज आपके उसी लोकल सर्वर में, लोकल मशीन के अंदर में, लोकल मोबाइल के अंदर में, लोकल लाइक लैपटॉप के अंदर में इंस्टॉल हो रहा है। लेकिन अगर हम वेब की बात करते हैं तो वेब के अंदर आती है वेबसाइट्स, वेबसाइट एप्लीकेशंस आ जाएंगे। तो वेब एप्लीकेशन आ जाएगा, वो कहाँ पे आएगा, वो आपके पीसी में नहीं होगा या मेरी पीसी में नहीं होगा, वो होगा एक सर्वर पे, एक क्लाउड पे, है ना, एक सर्वर पे जाके वो स्टोर होगा, जिसको कि वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस कर सकते। तो दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशन। जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, देखो अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो किसके थ्रू कर रहा हूँ, वो एक गूगल मीट एक सॉफ्टवेयर है, जो कि आपका आपके लैपटॉप में या आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया, उसके थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो। किसको आप उसके थ्रू एक्सेस कर रहे हो, तो आपका www.http के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो। यानी कि एक सर्वर है, वो सर्वर पे आपके पास भी एक नोड है, मेरे पास भी एक नोड है, ऐसे नोड है हमारे पास। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं है, हम लोग इनडायरेक्टली कम्युनिकेटेड हैं किससे, सर्वर से। मतलब हमारी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है पहले सर्वर के पास जा रही है, सर्वर के पास से आपके पास जा रही है, फिर सर्वर के पास आप कनेक्टेड हो, फिर मेरे पास आ रही है। इस तरह से हम लोग कनेक्टेड है, उसको हम लोग कहते हैं वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट्स, ठीक है। अब तीसरा कैटेगरी आ गया आपका कंसोल एप्लीकेशन। तीसरी कैटेगरी आपकी क्या आ गई, कंसोल। लिख लो यहाँ पे, पहला विंडोज एप्लीकेशन के अंदर में आप दो लिख लो वहां पे, एक विंडोज के अंदर में एक आप लोग लिख लो विंडो लाइक लैपटॉप एप्लीकेशन, सॉरी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के बाद आप उसके अंदर में लिख लो मोबाइल एप्लीकेशन, उसके बाद एक जो जो वेबसाइट है वेबसाइट के नीचे आप लिख लो वेब एप्लीकेशन, और कंसोल के नीचे लिख लो उधर सॉरी CUI जो दिखाया था ना, CLI, उसके अंदर लिख लो कंसोल एप्लीकेशन। क्लियर नहीं है तो मैं एक बार डायग्राम बना के आपको दिखाऊं, ठीक है। मेरा डेस्कटॉप विजिबल है ना तुम्हें, मैं क्या करना हूं, यहां पे मुझे एक एप्लीकेशन को डेवलप करना है। सॉरी मैं आपको GUI CUI के बारे में बता रहा हूं, तो मैंने हां मैंने आपको क्या किया है, यहां से सर बटन
फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं मैं, दिख रहा है अब आपको, ये एप्लीकेशन इंटरफेस हो गया। एप्लीकेशन इंटरफेस का मतलब एप्लीकेशन का लाइक टाइप, और एप्लीकेशन के टाइप मेरे यहाँ पे दो तरह से हो जाते हैं। एक एप्लीकेशन का टाइप हो जाता है ग्राफिकल, और एक हो जाता है मेरा यहाँ पे नॉन ग्राफिकल, जिसको हम लोग कमांड कहते हैं, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, GUI और CUI, कमांड यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी कि दो तरह के आप मेरे पास एप्लीकेशन आ रहे हैं, और इन दो तरह के एप्लीकेशन में कितनी कैटेगरीज और हो जाती है वो हम देखते हैं। तो एक सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा, एक तो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि हम उसको बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये भी एक तरह का एप्लीकेशन है। और एक दूसरा एप्लीकेशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमांड यूजर इंटरफेस। अगर मैं दूसरा एप्लीकेशन की बात करूं तो मेरे पास दूसरा एप्लीकेशन है कमांड यूजर इंटरफेस, लाइक दिस कमांड यूजर इंटरफेस। यानी कि हमारे पास दो तरह के एप्लीकेशंस हो गए। अब उसके बाद इनको जो अगर देखा जाए कि ग्राफिकल की अगर हम बात करते हैं, तो ग्राफिकल को भी हम फर्दर दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हम लोग पार्ट इसमें डिवाइड कर सकते हैं ग्राफिकल के अंदर में, क्या, मोबाइल एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन, जिसको हम लोग मोबाइल एप्लीकेशंस भी बोल सकते हैं, और एक हो गया तुम्हारा कमांड लाइन, सॉरी एक हो गया हमारा वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक आपका पार्ट हो जाता है जिसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं विंडोज, एक कैटेगरी मेरी हो गई विंडोज की, और दूसरी कैटेगरी मेरी क्या हो जाएगी, वेब की। ये मेरी दो कैटेगरीज और हो जाती है, विंडोज और वेब। और हमारे कंसोल की बात मैं करता हूं, तो कंसोल के पास मेरे पास जो एप्लीकेशन आएगा वो सिर्फ कौन सा आएगा, सिर्फ और सिर्फ कंसोल एप्लीकेशन। यानी कि अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो यहां मेरे पास में ये एप्लीकेशन डेवलप होंगे, कंसोल एप्लीकेशन। तो देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में, पूरा जो वर्ल्ड है वो इसमें इन तरह के एप्लीकेशन ही डेवलप होते हैं। मतलब हमारे पास में इसके अलावा कोई और चौथा नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम विंडोज की बात करते हैं, तो विंडोज के अंदर में फर्दर हमारे पास दो पार्ट हो जाते हैं, तो मैं विंडोज की बात करूं तो विंडोज के अंदर में मेरे पास में एक तो मोबाइल एप्लीकेशन आ जाएगा और एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन आ जाएगा। हम लोग कहेंगे डेस्कटॉप, जिसको आप मोबाइल पे, सॉरी डेस्कटॉप मतलब कहां पे, अपने लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। और दूसरा जो कैटेगरी आ जाता है इसके अंदर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल। यानी मोबाइल के अंदर में अगर आप देखोगे तो ISO आ जाता है, एक एंड्रॉइड आ जाता है, तो वो भी दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये वाला जो है डेस्कटॉप, और एक हो गया मोबाइल। तो वी हैव लाइक दीस काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस। और वेब के अंदर बात करते हैं, तो वेब के अंदर में क्या आता है, वेबसाइट्स आ जाती हैं। अगर हम वेब की बात करें, we have website। अब websites के अंदर में बहुत सारी categories आ जाती हैं, जो सारी web के से related हो जाएंगी आपकी। जैसे कि web के अंदर में ही आपके पास category आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं mobile, website में web panel हो जाता है, web CMS websites हो जाती हैं, एक होता है ई कॉमर्स वेबसाइट्स, एक होता है तुम्हारा उसको हम बोल सकते हैं लाइक ERP सिस्टम, और उस वेबसाइट के अंदर में वेब API, वेब सर्विसेज। तो मतलब लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस वी हैव थ्रू विच वी कैन गो फॉर द कैटेगरीज इज अ लाइक वेब एप्लीकेशन। तो वो कैटेगरीज हमारी यहाँ पे वेब एप्लीकेशन में कराएंगे। और कंसोल वाला जो होता है वो कंसोल एप्लीकेशन ही कहलाता है, अगर हम आप कंसोल की बात करते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो देखा जाए तो करंटली मार्केट के अंदर में हमारे पास में इस तरह के इतने एप्लीकेशंस हैं, है ना, कौन कौन से, डेस्कटॉप, मोबाइल, वेब और कंसोल, यानी कि चार तरह के एप्लीकेशंस हमारे पास में हैं। अगर आप मोबाइल की बात करते हो तो मोबाइल के अंदर में एंड्रॉइड और आईओएस भी आ जाएगा, और अगर आप डेस्कटॉप की बात करते हो, हाँ बोलो, सीयूआई, ये वाला दिस वन, इस तरह के एप्लीकेशन को पहले देखो, इस तरह के एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं। डेस्कटॉप की अगर हम बात करते हैं तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन कौन कौन सा है हमारे पास, जिसमें हम आपको काम करवा रहे हैं वो भी डेस्कटॉप है ना, या फिर आप यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन आपको नजर आ रहे हैं वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, जिसमें मैंने इंस्टॉल किया उसी में चलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप। मोबाइल एप्लीकेशन वो जो आपके मोबाइल पे चल रहा है। वेबसाइट मतलब क्या हो गया, वेबसाइट का मतलब एक मैंने यहाँ से एक वेबसाइट खोली और यहाँ पे लिखा google.com, तो यहाँ पे एक गूगल खुल गया, तो ये क्या है, एक वेबसाइट है, ये मेरे लैपटॉप में नहीं है, ये सर्वर पे है ना। तो वी आर गोइंग टू डिजाइन दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन, हम लोग इसी को बनाने जा रहे हैं। और उसके बाद एक होता है, हाँ मैं वो भी बताने जा रहा हूँ, ये तीनों समझ में आ गया, ये तीनों कैटेगरीज किस में आ गई, GUI में। अब ये जो CUI कंसोल एप्लीकेशन है, कंसोल मतलब कि ऐसा एप्लीकेशन जिसमें कुछ नहीं होगा, ग्राफिकल नहीं होगा, वो इस तरह का कमांड इंटरफेस होगा, ये कंसोल एप्लीकेशन। यहाँ पे क्या है, ये भी एक तरह का एप्लीकेशन है जो कि आपका किसी भी तरह के टास्क को मेंटेन कर सकता है, ये भी जैसे तुम्हारा ये है वैसे ही तुम्हारा ये भी है, बट इन दोनों में फर्क क्या है कि इसमें कोई ग्राफिकल नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी लाइक एक्सेस करना है तो यू हैव टू एंटर कमांड एंटर करना पड़ेगा, और वही कमांड एंटर करना पड़ेगा जो कमांड ये जानता है। अगर तुमने इस तरह से कुछ लिख के एंटर कर दिया, ये कहेगा आई डोंट नो अबाउट दैट, ये कह रहा है कि जो भी हमने लिखा इज नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, इसका मतलब इसको पता नहीं है। अगर मुझे डायरेक्टरी देखनी है तो मैं DIR लिखूंगा, एंटर करूंगा, तभी मैं डायरेक्टरी देख सकता हूं, समझे। तो ये जो एप्लीकेशन है वो क्या है, कमांड बेस्ड है। यहाँ पे कोई ग्राफिकल दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा ना। अगर मैं आपको ये वाला एक एप्लीकेशन दे दूं और बोलूं कि ये काम करके मुझे दिखाओ, तो आप कहोगे सॉरी सर, मैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है इसमें, क्योंकि इसमें ना कोई मेन्यू है, ना कोई आइकन है, ना कुछ है, यहाँ पे सिर्फ एक ब्लिंक कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई एंटर कमांड, ब्लिंक का मतलब एंटर कमांड। तो ये क्या है, ये कमांड यूजर इंटरफेस है, यानी कमांड लाइन इंटरफेस है, इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कंसोल एप्लीकेशन, ठीक है। अगर मुझे एग्जिट करना है तो यहाँ पे एग्जिट करना होता है, तो क्या लिखो, क्या करोगे आप, यहाँ फाइल में जाओगे, एग्जिट पे क्लिक कर दोगे, क्लोज कर दोगे, एग्जिट हो जाओगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे एग्जिट करना है, यहाँ पे आपको एग्जिट करना है, तो आपको यहाँ पे एग्जिट ऐसे नहीं होगा जब तक आप एग्जिट नहीं लिखोगे, एग्जिट कमांड है। आपको अगर आप पता ही नहीं है कि एग्जिट कमांड क्या होता है तो आप कैसे लिखोगे, आप नहीं लिख सकते, आप एग्जिट नहीं हो सकते। तो इसी वजह से ये जो है, ये जो एप्लीकेशन होता है इसको हम कंसोल एप्लीकेशन कहते हैं, इस तरह के एप्लीकेशन। ये वाला एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है, जैसे हम लोग को सपोज कर लो बैंक है, बैंक डेली क्या करती है, अपने डेटा को सर्वर पे भेजती है, तो वो क्या करती है कि ग्राफिकल में ना भेज के अपनी इंफॉर्मेशन को एक टेक्स्ट फाइल में भेज देती है, जो कि कंसोल एप्लीकेशन बेस्ड होती है। यानी कि एवरी डे जब जो बैंक अपने मेन सर्वर में जो डेटा सेंड करती है तो वो कंसोल एप्लीकेशन के थ्रू सेंड कर देती है। जितने भी नेटवर्किंग टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन टाइप के, जहाँ पे डेटा सेंडिंग होता है, रिसीविंग होता है, जो टास्क मेंटेन करते हैं, वो कंसोल एप्लीकेशन बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब इन एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, ये इतने तरह के एप्लीकेशन हमारे पास में है, अगर इन एप्लीकेशन को अगर हम डेवलप करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए मेरे पास लैंग्वेजेस होंगी। इन एप्लीकेशन को डेवलप करने की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में वी हैव लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस। इन लैंग्वेजेस के अंदर में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, है ना। और कोई एक तरह का लैंग्वेज होगा, वो एक तरह के एप्लीकेशन को ही डेवलप करेगा। अगर मैं एक लैंग्वेज की बात करता हूँ तो लैंग्वेज जो है, स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात करता हूँ, तो वो एक ही तरह के एप्लीकेशन को डेवलप कर सकता है ना। अगर मैं बोलूंगा कि एक लैंग्वेज के अंदर में मैं बहुत सारे एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहता हूँ, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही लैंग्वेज में सारे एप्लीकेशन को डेवलप कर पाओ, ठीक है।
तो सपोज अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूँ तो मेरे पास में सी लैंग्वेज है, मेरे पास सी लैंग्वेज है, सी आपने पढ़ा होगा पहले, है ना, सी लैंग्वेज है मेरे पास में। क्या आप सी के अंदर में डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो? क्या आप सी लैंग्वेज के थ्रू डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो? क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ? हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या मैं सी लैंग्वेज के थ्रू डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकता हूँ, इस तरह के एप्लीकेशन को डेवलप कर सकता हूँ क्या? हाँ, आ रही है आवाज? मैं कह रहा हूँ क्या मैं सी लैंग्वेज के थ्रू, सी जो लैंग्वेज है, क्या मैं उसके थ्रू क्या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकता हूँ? नो, वेरी गुड, नहीं बना सकते। क्या मैं मोबाइल एप्लीकेशन बना सकता हूँ? नो, नहीं बना सकते, क्योंकि ग्राफिकल है ना। सी जो लैंग्वेज है वो सिर्फ कंसोल देता है। आप वेबसाइट बना सकते हो? नहीं। और क्या आप कंसोल बना सकते हो सी में? तो यस, हम लोग कंसोल बना सकते हैं, हम लोग यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं सपोज कर लो आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर हो सी प्लस प्लस के, तो सी सी प्लस प्लस के अंदर में भी आप अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहो ग्राफिकल में, तो आप नहीं बना सकते, मोबाइल भी आप नहीं बना सकते, आप वेबसाइट भी नहीं बना सकते। लेकिन अगर मैं कंसोल एप्लीकेशन की बात करूंगा तो आप कहोगे यस मैं बना सकता हूँ, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास एक लैंग्वेज होती है, इसको हम कहते हैं विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक 6.0 भी है। विजुअल बेसिक में अगर मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलूंगा बनाने के लिए तो आप बोलोगे यस मैं बना सकता हूँ। मैं बोलूंगा मोबाइल एप्लीकेशन बना दो तो बोलोगे सॉरी आई कांट डू दिस। आप वेबसाइट विजुअल बेसिक में नहीं बना सकते और ना ही आप कंसोल बना सकते। अगर मैं पाइथन की बात करता हूँ तो पाइथन के अंदर में आप नहीं बना सकते, मोबाइल एप्लीकेशन भी नहीं बना सकते, वेबसाइट भी नहीं बना सकते, और कंसोल की अगर मैं बात करूं तो कंसोल एप्लीकेशन में आप बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपको सी शार्प की बात करता हूँ, सी शार्प हैप्पी, सी शार्प देखो यहाँ पे दो तरह के हो गए। एक मैं जो अभी मैंने आपको डॉटनेट नहीं स्टार्ट किया है, आपको डॉटनेट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, अभी बताया नहीं है, मैं आगे बताता हूँ अभी इसके बाद कि मैं डॉटनेट क्यों यूज करने जा रहा हूँ। अगर आप डॉटनेट यूज कर रहे हो तो इसका बेनिफिट क्या है वो इसी से आपको पता चलेगा। तो अगर मैं सी शार्प जानता हूँ तो सी शार्प के अंदर में मैं ना ही डेस्कटॉप बना सकता हूँ, ना ही मैं मोबाइल बना सकता हूँ, ना ही मैं वेबसाइट बना सकता हूँ, और सिर्फ और मैं कंसोल एप्लीकेशन ही डेवलप कर सकता हूँ। अगर मैं पीएचपी जानता हूँ तो मैं पीएचपी के अंदर में मैं क्या बना रहा हूँ, डेस्कटॉप नहीं बना सकता, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना सकता, वेबसाइट बना सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे यस करूंगा। और क्या मैं कंसोल एप्लीकेशन बना सकता हूँ? तो नहीं, कंसोल एप्लीकेशन आप नहीं बना सकते पीएचपी लैंग्वेज के अंदर। उसी तरह से अगर आप एचटीएमएल जानते हो, सीएसएस जानते हो, तो भी आप यहाँ पे मोबाइल डेस्कटॉप नहीं बना सकते, मोबाइल नहीं बना सकते। आप वेबसाइट की बात करते हो तो वेबसाइट बना सकते हो और आप कंसोल नहीं बना सकते। यानी कि आप देखो जितने भी लैंग्वेजेस हैं उसके साथ में देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनमें से किसी एक ही इंटरफेस को वो डेवलप कर पाएगा। और अगर आप मार्केट की बात करते हो, आप कंपनीज की बात करते हो, तो कंपनीज को आज के टाइम में ऐसा बंदा चाहिए कि वो एक बंदा जिसको वो अपॉइंट कर रहा है अपने पास में, वो बंदा वो सारे टास्क को कर पाए। इसी वजह से तो अब यहाँ पॉसिबल तो नहीं है। अब देखो मेरे पास, अब मेरे पास क्या आपके हमारे पास पॉसिबल है हमारे लिए कि मैं सी लाइक कंसोल एप्लीकेशन के लिए मैं ये पढ़ लूँ, यहाँ पे मैं ये इसमें एक्सपर्ट हो जाऊँ, ठीक है, और विजुअल बेसिक के लिए यानी कि विंडोज एप्लीकेशन के लिए मैं इसमें एक्सपर्ट हो जाऊँ, इस वाले लैंग्वेज में मैं एक्सपर्ट हो जाता हूँ, और वेब एप्लीकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो वेब एप्लीकेशन के लिए मैं पीएचपी में एक्सपर्ट हो जाता हूँ। ये पॉसिबल है? नहीं है। अगर मैं बोलूं कि इन तीन लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट हो जाओ तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप तीन लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो जाओ। क्यों नहीं पॉसिबल है? कि हर एक लैंग्वेज का एक अपना अपना क्या होता है, अपने अपना एक स्टैंडर्ड होता है, अपनी सिंटैक्स होती है, अपने डेटा टाइप्स होते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप सबका डेटा टाइप रिकॉग्नाइज करके रखें।
ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, किसी भी वे में पॉसिबल नहीं है। सो आप हाउ यू कैन हैंडल दिस, हाउ यू कैन मैनेज दिस, कैसे करोगे? तो उसके लिए हमें क्या करेंगे यार, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। या तो मैं किसी एक ही स्पेसिफिक लैंग्वेज को लेके चलूंगा, है ना। अगर मैं जावा की भी बात करता हूँ, तो जावा भी अगर सपोज कर लो आप लर्न कर लेते हो, तो जावा के अंदर में आप सिर्फ क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे विंडोज एप्लीकेशन बना पा रहे हो। आप यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बनाओगे। आपको अगर मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है तो आपको एंड्रॉयड जावा सीखना पड़ेगा। और आपको अगर मैं बोलता हूँ कि आप क्या वेबसाइट बना रहे हो, तो आप बोलोगे नो, मैं वेबसाइट भी नहीं बना सकता और ना ही मैं कंसोल बना सकता हूँ। अगर आप वेबसाइट की बात करते हो तो आपको जेएसपी सीखना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं जावा सर्वर पेजेस। जेएसपी में आप कहते हो विंडोज एप्लीकेशन नहीं बनेगा, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बनेगा। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो बोलोगे यस, वेबसाइट मैं बना सकता हूँ और कंसोल एप्लीकेशन मैं नहीं बनाऊंगा। अगर मैंने सपोज कर लो एंड्रॉइड सीख लिया, अगर मैंने एंड्रॉइड जावा सीख लिया, अगर मैंने एंड्रॉइड जावा सीख लिया तो मैं विंडोज एप्लीकेशन नहीं बना सकता, मैं विंडोज एप्लीकेशन नहीं बना सकता, मैं मोबाइल एप्लीकेशन बना सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने एंड्रॉइड जावा सीखा है। और मैं कंसोल एप्लीकेशन का वेबसाइट की बात करता हूँ, तो मैं वेबसाइट नहीं बना सकता और ना ही मैं कंसोल एप्लीकेशन को डेवलप कर सकता हूँ। तो देखा जाए तो मेरे पास की लिमिटेशंस हो गई ना। एवरी लैंग्वेजेस हैज आवर ओन स्पेसिफिक लिमिटेशन, कि वो किसी एक तरह के एप्लीकेशन को ही वो डेवलप करेगा, इससे ज़्यादा वो डेवलप नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, तो कैसे करेंगे। तो इसको देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने ये देखा कि क्यों ना ही एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जो इनके अपार्ट फ्रॉम देम एक ऐसी लैंग्वेज हो, जिसमें एक ही लैंग्वेज में मैं सारे तरह के एप्लीकेशन को डेवलप कर सकूं। तो उन्होंने ये सोचा कि मुझे कोई ऐसी लैंग्वेज बनानी चाहिए जिसके अंदर में मैं ये सारे काम करूं। लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए उन्होंने जब मार्केट को सर्वे किया, तो उन्होंने देखा वी हैव लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस, हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जो कि मेरे पास में सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, कोबोल है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। उन लैंग्वेजेस के अंदर में जो हमारे डेवलपर्स हैं, अगर मैं कोई दूसरा लैंग्वेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो क्या जरूरी है कि वो लैंग्वेज आपको, मुझे, सबको समझ में आए? ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हमें सबको इस लैंग्वेज को समझ में आए, है ना, ये पॉसिबल भी नहीं है हमारे लिए। और जरूरी नहीं है कि वो जो लैंग्वेज है वो इतना फेमस हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जो पुरानी लैंग्वेजेस हमारे पास में है, व्हाई नॉट वी टेक दोज लैंग्वेजेस जो हमारे पास ऑलरेडी है, जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। प्लस सबसे बड़ी बात क्या है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल, पास्कल, पाइथन, ये सब पुरानी लैंग्वेजेस हैं, आज की लैंग्वेज नहीं है, ये बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं। और उन लैंग्वेजेस में वी हैव लॉट्स ऑफ डेवलपर्स, मेरे पास बहुत सारे डेवलपर्स हैं इन लैंग्वेज में, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं वो स्टक है। अगर वो विजुअल बेसिक के डेवलपर है तो ये कहीं ना कहीं स्टक है कि सिर्फ वो क्या कर रहा है, ये बना पा रहा है, ये दोनों नहीं बना पा रहा है। अगर वो सपोज कर लो पाइथन का एक डेवलपर है, तो कहीं ना कहीं वो स्टक है कि सिर्फ वो इस तरह के एप्लीकेशन को ही डेवलप कर पा रहा है। यानी कि अगर वो कंपनी में जाता है या वो फ्रीलांसर जॉब भी करता है, कहीं काम करता है कस्टमर्स के लिए, तो वो सिर्फ एक ही तरह के काम को कर पाएगा, दूसरी तरह के काम को नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि हमें ना कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने एक ना प्लेटफॉर्म डेवलप करना है, मुझे एक लैंग्वेज नहीं बनानी है, हमें क्या करना है, एक प्लेटफॉर्म डेवलप करना है। और जो प्लेटफॉर्म होगा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर पे होना चाहिए। यू नो अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में आपको नॉलेज है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में आगे भी बताऊंगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में बताऊंगा। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, एक तरह का एक ऐसा अप्रोच है जिसके थ्रू अगर आप यूज करते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को, तो आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो काफी फ्लेक्सिबल हो जाती है, पोर्टेबल हो जाती है, आप सिक्योरिटी इनहांस हो जाता है उसके अंदर में, और उसके बाद मॉड्यूलाइजेशन हो जाता है उसके अंदर में, सिक्योरिटी लेवल काफी हाई हो जाती है उसके उसके इसके बिहा पे हम लाइक एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस जैसे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, फीचर्स यूज करते हैं। तो दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने कहा कि हमें ना एक प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया, उन्होंने लैंग्वेज नहीं बनाई, क्योंकि लैंग्वेजेस ऑलरेडी हैं। visualstudio.net और .net की अगर हम बात करते हैं, तो .net नॉट अ लैंग्वेज, .net जो है कभी लैंग्वेज की नहीं बोलना कि ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, जहां पे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर पे डेवलप किया इस प्लेटफॉर्म को। और उन्होंने उन सारी लैंग्वेजेस को जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी,
जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी हमारे पास पहले से, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो सी इज अ नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, सी प्लस प्लस इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो उन्होंने सी प्लस प्लस को कलेक्ट किया, उन्होंने विजुअल बेसिक को कलेक्ट किया, उन्होंने पाइथन को लिया, उन्होंने सी शार्प को लिया, उन्होंने एचटीएमएल को लिया, उन्होंने जावा को लिया, ठीक है, उन्होंने एंड्रॉइड को लिया। तो ये लैंग्वेजेस को ले लिया उन्होंने, लेने के बाद उन्होंने थोड़ा सा उस लैंग्वेज को मैनेज किया, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है इसमें से सिर्फ इसकी कैपेबिलिटी क्या थी कि सिर्फ अगर मैं जे आपको इसकी बात करता हूँ सी शार्प की, तो सी शार्प में आप क्या बना रहे हो, सी शार्प में सिर्फ और सिर्फ आप कंसोल बना रहे हो, आप ये तीन एप्लीकेशन तो नहीं बना पा रहे। तो उन्होंने उन लैंग्वेजेस को जो कि पहले किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डेवलप करती थी, उन लैंग्वेजेस को उन्होंने क्या किया, उनको थोड़ा सा मैनेज किया, और मैनेज करने के बाद उन्होंने इस एप्लीकेशन में उस एनवायरमेंट में जो प्लेटफॉर्म उन्होंने डेवलप किया था उस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने डाल दिया। और उन्होंने कहा, और एक लैंग्वेज को नहीं डाला, उन्होंने तकरीबन 109 लैंग्वेजेस को कलेक्ट किया जो कि मार्केट में है, जिसके ऑलरेडी डेवलपर्स बन चुके हैं, जो अपना टाइम वहां पे लगा रहे हैं उन लैंग्वेज, उनको उन्होंने बोला कि जो तुम जिस पे काम कर रहे हो उसी पे करो, नो नीड टू चेंज द लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म को सीखो और इस प्लेटफॉर्म के साथ उसी लैंग्वेज में जो तुम्हारा पुराना लैंग्वेज है उसमें काम करो। आई गिव यू द एबिलिटी टू डिजाइन वेब एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन, यानी कि यू हैव द कैपेबिलिटी टू क्रिएट ऑल काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन, तुम किसी भी तरह के एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा मिराकल हो गया हमारे लिए, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया जब ये मार्केट में आया था, जब बहुत सारे डेवलपर्स बिल्कुल डेड हो गए थे मार्केट में, जो सी प्लस प्लस जानते थे, वो जो विजुअल बेसिक जानते थे, जो लाइक जावा वगैरह पे काम करते थे, और उन्होंने सोचा कि अब तो यार मेरे पास में लाइन है नहीं, क्योंकि आपका मार्केट का जो अब का जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड चल रहा है वेब का। अब जिसको वेबसाइट, जो वेबसाइट बनवाएगा वो विंडोज एप्लीकेशन भी बनवाएगा, और जो वेबसाइट बनवाएगा वो मोबाइल एप्लीकेशन भी बनवाएगा, तो वो नहीं चाहता कि वो दूसरी जगह पे जाए। वो कस्टमर क्या करता है, वो आपके पास आया है ना, तो आपको बोलेगा कि यू प्रोवाइड मी ऑल काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन, तभी मैं यहाँ रुकूंगा, अदरवाइज मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो कंपनी के पास भी चैलेंजेस हो गए, कि कंपनी के पास में अब क्या चैलेंजेस हो गए, कि अगर वो विजुअल स्टूडियो नहीं रखेगा, विजुअल स्टूडियो के डेवलपर को नहीं रखेगा, तो वो जावा के डेवलपर को ले आएगा, जो कि क्या बनाएगा, जावा का डेवलपर से विंडोज बनाएगा, जेएसपी के डेवलपर को लाएगा जो वेबसाइट बनाएगा, सी प्लस प्लस के डेवलपर को लाएगा जो कि कंसोल बनाएगा। अब ये इनके पास तीन डिपार्टमेंट हो गए, अब तीन डिपार्टमेंट के अंदर में जावा के अंदर 10 बंदे हैं जो कि विंडोज एप्लीकेशन बनाएंगे, वेबसाइट बनाने के लिए उनके पास जेएसपी के बंदे हैं 20 एम्प्लॉयज यहाँ हैं, 10 एम्प्लॉयज यहाँ हैं, कंसोल बनाने के लिए उन्होंने 5 एम्प्लॉय रखा है, ठीक है, जो कि सी प्लस प्लस के बंदे हैं। तब तीन डिपार्टमेंट उनके पास में है। अब जरूरी तो नहीं है कि साइमल्टेनियसली पूरा का पूरा फ्लो आपका आता रहे कंपनी का, कोई ऐसी डिपार्टमेंट एक या दो रहेगी जो बैठी रहेगी, जिसके पास काम नहीं है इस टाइम पे, वो बैठी है, वो इस इंतजार में बैठी है कि सर मेरे को कोई काम देंगे तो मैं करूंगा। कंपनी के पास लायबिलिटी बढ़ रही है, कंपनी को बिठा के पैसे देने पड़ रहे हैं उसको, उसके पास भी दिक्कत है। कंपनी सोचती है कि अगर मैं उसको हटा दूं और कल कोई प्रोजेक्ट आ गया तो मैं कैसे करवाऊंगा, तो लायबिलिटीज उसकी भी बढ़ रही है, कंपनी की भी लायबिलिटी बढ़ रही है, एम्प्लॉय को ये लग रहा है कि पता नहीं मेरे को सर कब हटा दे, क्योंकि मेरे पास तो काम है नहीं अभी, अब बिठा के कितने दिन कोई पैसे देगा आपको। तो अब उन कंपनियों ने क्या किया, इन सब डेवलपर्स को हटाया, उन्होंने बोला कि इफ यू आर एबल टू वर्क विद विजुअल स्टूडियो विद द सेम लैंग्वेज, अगर आप सी प्लस प्लस जानते हो इट्स नो प्रॉब्लम, अगर आप सी प्लस प्लस डॉट नेट जानते हो, मतलब आपने सी प्लस प्लस को डॉट नेट एनवायरमेंट में किया है तो वेलकम है, अगर आपने पाइथन को या सी शार्प को डॉट नेट प्लेटफॉर्म में किया है तो वेलकम है, क्योंकि वो जानता है इस बात को कि विजुअल स्टूडियो के अंदर में अगर वो जो लैंग्वेज है उसके पास में, अगर उसने विजुअल स्टूडियो में किया हुआ है उस लैंग्वेज के थ्रू, तो वो किसी भी तरह के एप्लीकेशन को डेवलप कर सकता है, चाहे वो ये एप्लीकेशन हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो वेबसाइट हो या कंसोल हो, किसी भी तरह के एप्लीकेशन को वो डेवलप कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये क्या है, दिस इज विजुअल स्टूडियो, इसको हम लोग कहते हैं विजुअल स्टूडियो डॉट नेट, इसका एक अपना नाम है,
ये इसका एक नाम है, विजुअल स्टूडियो। विजुअल का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल, जो ग्राफिकल में होते हैं, जिसको आप विजुअलाइज कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, उसको हम कहते हैं विजुअल। यानी कि जो पहले पहले क्या था, जो पहले विजुअलाइज नहीं था, यानी कि कंसोल एप्लीकेशन में विजुअलाइज नहीं था, जो मैंने आपको अभी दिखाया था जिसमें ब्लैंक स्क्रीन था, तो विजुअलाइज नहीं था, उसको उसने विजुअलाइज किया। स्टूडियो का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेराइटीज ऑफ बहुत सारे कंटेंट, जैसे कि बुक स्टूडियो हो गए, जहाँ पे आप बुक्स, बहुत सारी बुक्स देखते हो, जो आपका मन करता है वो बुक्स को आप कॉल करते हो, आप पढ़ते हो, उसको रख देते हो। सीडी स्टूडियो, जहाँ पे बहुत सारी सीडीज होती हैं, आप जाते हो, जिसको सीडी को कॉल करोगे वो सीडीज आपको मिल जाती है, आप मूवी देखते हो, गाने सुनते हो, आप वापस रख देते हो। तो आप मतलब कलेक्शन ऑफ बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी DLL फाइल्स। डॉट का मतलब होता है कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला, मतलब कनेक्ट किससे कर रहा है, नेट से। नेट का मतलब हो गया नेटवर्क्स, यानी वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि जो जिस लैंग्वेज के थ्रू पहले आप एक विंडोज एप्लीकेशन बनाते थे, या फिर आप एक लाइक लोकल एप्लीकेशन बनाते थे, उसको आप वेब के साथ जोड़ सकते हो, यानी किसी भी के साथ में कोई भी कंपेबिलिटीज कैपेबिलिटीज हो सकती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विजुअल स्टूडियो डॉट नेट, और कभी कभी इसको हम लोग डॉट नेट के नाम से भी जानते हैं, या तो आप विजुअल स्टूडियो डॉट नेट बोल सकते हो, या उसको विजुअल स्टूडियो डॉट नेट बोल सकते हो, कभी कभी हम विजुअल स्टूडियो ही बोलते हैं, नथिंग मैटर, कुछ भी हो सकता है। तो क्या है विजुअल स्टूडियो, क्या है, तो आप बोल सकते हो इसको सर, इट इज अ टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी है दैट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म इन विच, हाँ जी, हाँ, ये आपको मेरा डेस्कटॉप नजर नहीं आ रहा क्या, देखना, ये दिख रहा है आपको, हाँ, तो लिखो यहाँ पे, इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट, इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट दैट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म इन विच वी कैन डेवलप, हम लोग डेवलप कर सकते हैं, we can develop web, any websites, windows, any windows application, it is a technology that provide a platform in which we can develop web, windows, console, comma, mobile, console, comma, mobile, comma, web services, comma, web services, comma, web api, it is a technology that provide a platform in which we can develop web, comma, windows, comma, console, comma, mobile, comma, web services, comma, web api, etc. ठीक है, etcetera, with the help of any single language among 109 languages. Web, Windows, Console, Mobile, Web Services, Web API, etc. with the help of any single language among 109 languages, यानी कि हमारे पास क्या है, कितने लैंग्वेज का कलेक्शन है, 109 लैंग्वेज का कलेक्शन है हमारे पास, 109 लैंग्वेजेस का कलेक्शन है। If we know a single language among these, अगर मैं एक भी language इसमें से जानता हूँ, तो मैं किसी भी तरह के application को develop कर सकता हूँ। Web services होती है, जैसे कि आप आज के time पे जो banks होती हैं, bank के पास में एक bank होती है, जैसे आप HDFC की बात कर लो, तो bank के पास में अपना account भी होता है, उसका current account हो गया, saving account हो गया, जो बैंक का एम्प्लॉई होता है, सॉरी, जो बैंक का कस्टमर होता है, उसका एक हो गया तुम्हारा, उसका अकाउंट, उसने लोन भी ले रखा होता है, उसके नाम से क्रेडिट कार्ड भी है, मतलब एक बैंक का जो वो है कस्टमर है, उसके पास बहुत सारी सर्विसेज हैं, है ना। तो उन सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेब सर्विसेज बना लेते हैं,
एक वेब सर्विसेज हो गई जो कि हम Azure पे क्लाउड पे हम उसको स्टोर कर देते हैं, और उसको जब वो मोबाइल एप्लीकेशन एक्सेस करेगा तो सर्विसेज को हम लोग क्या करेंगे, दे देंगे। जैसे हम लोग वेब एपीआई जानते हैं ना, वेब एपीआई जानते हो? नहीं, अभी नहीं जानते हो, तो मैं बताऊंगा आपको। वेब एपीआई बेसिकली क्या होता है, वेब एपीआई की तरह ही होता है वेब सर्विसेज, लेकिन वेब सर्विसेज बेसिकली क्या होता है, वो कंज्यूम करता है किसी भी तरह के एप्लीकेशन को कंज्यूम कर सकता है, लेकिन जो वेब एपीआई होता है वो एचटीटीपी पे कंज्यूम होता है। जैसे आप एक सेम तरह के एप्लीकेशन को मोबाइल पे भी एक्सेस करते हो, अभी जो आप कर रहे हो आप मोबाइल से एक्सेस कर रहे हो, मैं एक्सेस कर रहा हूँ लैपटॉप से, तो ये दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, सर्विसेज है। जो मैंने आपको बताया ना, एक सर्विसेज है जो यहाँ पे है, जो आपके पास भी जा रहा है और मेरे पास भी जा रहा है, तो उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेब पे सर्विसेज क्रिएट कर देते हैं। तो बैंक्स वगैरह में जो आपको बता रहा था अभी कि बैंक के अंदर में भी इस तरह से सर्विसेज होती हैं, तो बैंक क्या करती है, सर्विसेज बना क्रिएट करवा लेती है, उस सर्विसेज को उसने एक जगह पे रख दिया, तो क्या कर दिया, इन सब एम्प्लॉयज के लिए जितने भी कस्टमर है, कस्टमर के लिए कस्टमर आईडी बना दी। पहले क्या था, अकाउंट नंबर, पहले अकाउंट नंबर हुआ तो होता था, अब क्या है, आपका एक कस्टमर आईडी होता है, तो जो कस्टमर आईडी होता है उससे ये वेरीफाई हो जाता है कि आपका कौन सा लोन चल रहा है इस बैंक के साथ में, आपके कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं, आपका जो अकाउंट है बैंक के साथ वो किस तरह का है, तो मतलब एक इन सब के लिए उन्होंने कस्टमर आईडी दे दिया और उस कस्टमर आईडी को वेब सर्विसेज में स्टोर कर दिया। अब वो जब भी मोबाइल से वो एक्सेस करेगा तो इस वेब सर्विसेज का डेटा मिल जाएगा उसको, अगर वो डेस्कटॉप से करेगा तो यहाँ से वेब सर्विसेज से मिल जाएगा। तो सबके लिए एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करा दी और वेब सर्विसेज के थ्रू हम मेंटेन करें। तो हम लोग यहाँ पे वेब सर्विसेज बनाना सीखेंगे, वेब एपीआई भी बनाना सीखेंगे, यानी कि आप एंड ऑफ द डे जब आप यहाँ से पूरा सीख जाओगे मेरे से, तो एक आप एक वेबसाइट बना सकते हो जो कि एक नॉर्मल सी वेबसाइट होती है जो दिख रहा है आपको, और ई कॉमर्स वेबसाइट आप बना सकते हो, आप वेब एमवीसी एप्लीकेशन यानी थ्री टायर आर्किटेक्चर का एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हो, और एक थ्री टायर आर्किटेक्चर के साथ आप एमवीसी कोर बना सकते हो, यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि आपके एप्लीकेशन को आप लिनक्स में भी इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज में भी इंस्टॉल कर सकते हो, मैक में भी इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। इस तरह के एप्लीकेशन को भी आप डेवलप कर सकते हो, आप वेब एपीआई बना सकते हो, वेब सर्विसेज बना सकते हो, विंडोज एप्लीकेशन भी बनाना आपको मैं सिखाऊंगा, कंसोल एप्लीकेशन भी बनाना सिखाऊंगा, यानी कि आपको एक ही लैंग्वेज के थ्रू आप वेराइटीज ऑफ एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। कैसे कैसे डेवलप करोगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपका जो स्पेशलाइजेशन होगा वो एक ही जगह होना चाहिए। तो आपका स्पेशलाइजेशन मैं आपका रखूंगा वेब, वेब में आप स्पेशलाइजेशन होगे, आप एक परफेक्ट होगे, जिसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसमें आप काम करोगे, लेकिन आप जानोगे सब कुछ कि आपको अगर सपोज कर लो कल की डेट में आपको किसी ने बोला कि मेरे को विंडोज एप्लीकेशन बनाना है तो आप कैसे बनाओगे वो मैं आपको बताऊंगा, एक कंसोल एप्लीकेशन बनाना है कैसे बनाओगे वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जो आपका स्पेशलाइजेशन होगा वो एक जगह होगा। आपको कभी भी कुछ दूसरा काम करने के लिए लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लैंग्वेज आपका वही रहेगा शीशा, चाहे आप वेब के लिए काम करो, विंडोज के लिए काम करो या कंसोल के लिए काम करो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आई होगी आपको चीज। तो ये मैंने सेशन आपका रिकॉर्ड कर दिया है और मैं इसको सेक्शन को ना आपको अभी मोबाइल पे ना एक उस पर डाल देता हूँ। आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप लैपटॉप कुछ? हाँ, लैपटॉप है ना, तो मैं आपको एक दे देता हूँ। ये जो वीडियो अभी मैंने आपको क्लास दी है ना, तो उसको रिकॉर्ड कर दिए, तो मैं आपको एक वेब लिंक शेयर करता हूँ, उससे आप डाउनलोड कर लेना उसे। ठीक है, तो क्लास वन करके आप रिकॉर्ड करके रख लेना। आज को तो मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया है और फिर मैं कल आपको इससे आगे का स्टेप सिखाऊंगा, धीरे धीरे करके हम लोग चलेंगे और एक आपको एप्लीकेशन डेवलपर बना दूंगा, और ज्यादा नहीं, तीन से चार महीने में आपको मैं कंपनी में भेज देता हूँ। ठीक है, आपका ऑनलाइन ही इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन ही इंटरव्यू सेक्शन करवाऊंगा, एंड ऑनलाइन ही आपको वहां से कॉल आएगी, आप इंटरव्यू क्रैक करो और एक अच्छा लेवल पे करो, मेरा भी नाम रोशन करो और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करो, आप जहां से बिलोंग करते हो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर आपने कर लिया, अचीवमेंट कर लिया था, तो अपने जो पीछे भाई बहन है, माता पिता है, उनका भी नाम रोशन करोगे, एक वो उनको भी, जो बच्चे आपके पीछे जो छोटे बच्चे हैं या आपके जो समाज के लोग हैं वो भी आपको देख के आगे बढ़ेंगे कि हाँ ये लड़का देखो कितना अच्छा कर गया, आज वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है या कंपनी ने इसे बाहर यूएस भेज दिया है, तो एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी, क्योंकि आज के जैसे हम जैसे लोग, आप जैसे लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट है कंपनी को। ठीक है, तो मैं आपको अभी वीडियो शेयर करता हूँ, आप इसको देखो, फिर मैं आपको नेक्स्ट कल मिलता हूँ फिर। ठीक है, ओके।